कोविड संक्रमण के बचाव के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए विशेष सर्विलांस अभियान की बैठक मंडलायुक्त जयनालिकर की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त ने देवरिया के बरहज, बैतालपुर, भागलपुर, मझगांवा, महेन, गोरखपुर के ब्रह्मपुर, डेरवा, गगहा, सरदारनगर, कुशीनगर के रामकोला, कप्तानगंज, बिजनुपुरा सहित पड़ोना एवं अन्य PSC के MOVIC को निर्देशित किया कि 21 जुलाई से 30 जुलाई तक अभियान चलाकर ILI एवं SRI के प्रकरणों की पहचान की जाए। मंडलायुक्त ने कहा कि सभी MOVIC एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नियमित रूप से अभियान की निगरानी करते हुए अधिक से अधिक पीड़ितों की पहचान करते हुए उनकी जांच कराएं, हर संभव प्रयास करते हुए कोविड मरीजों की मृत्यु नहीं होने देनी है। मंडलायुक्त ने नॉन कोविड अस्पतालों में किए जा रहे सर्जरी की जानकारी लेते हुए निर्देश दिया कि सभी चिकित्सालय में ट्रानांट मशीन का प्रयोग करते हुए आवश्यकता अनुसार लोगों की सर्जरी की जाए। उन्होंने कहा कि जिन सर्जनों द्वारा सर्जरी का कार्य नहीं किया जा रहा है उनको कोविड चिकित्सालयों में तैनात किया जाए। मंडलायुक्त ने JEAES की मृत्यु की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि पशुपालन, मत्स्य जल निगम, पंचायत एवं स्वास्थ्य विभाग JEAES से बचाव के लिए गांव में सफाई, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था एवं अन्य कार्यों को तेजी से करें। मंडलायुक्त ने शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के लिए संयुक्त विकास आयुक्त की अध्यक्षता में जल निगम, पंचायत, स्वास्थ्य, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के तकनीकी विशेषज्ञ की समिति का गठन किया जो 3 दिनों में जांच करके खराब नलों की चिन्हित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की उपायों, संसाधन एवं आदि के बारे में अपनी रिपोर्ट देगी। बैठक में संयुक्त विकास आयुक्त उग्रसेन पांडे, अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर JM त्रिपाठी सहित CMO कुशीनगर, चारों जनपदों के CMS एवं विभिन्न ब्लॉकों के MYC मौजूद रहे। आपको लगता है ये सही है? 2 लाख की जनसंख्या में सिर्फ एक ही केस है? कितने कोविड पॉजिटिव निकले हैं आपके? 26 कोई सारी केस नहीं। ये 2 लोग उत्तरदायी हैं यदि आपके यहाँ पॉजिटिविटी रेट उस ब्लॉक में मिला मुझे। मेरे 5 से 15 विशेष सर्विलेंस अभियान में आपको 0 मिला है तो ऐसा नहीं होगा कि अगले 15 दिन में 0 से वहां 50 केस निकल आएंगे। ये क्यों है? कितने घर थे आपके यहाँ? कितने घरों में सर्वे किया गया? देख लीजिए, आपको खुद एट एंड ऑफ मंथ आप मुझे 15 दिन पर आज जिन ब्लॉक्स को हम लोगों ने बुलाया है, इनमें से मैंने गोरखपुर के कुछ नहीं बुलाए हैं जो नगर के 0 हैं, क्योंकि उसका रीजन है, यू नो, उसको छोड़ दीजिए। बाकी मुझे लगता है 15 से 17 लोगों को जो बुलाया है, कृपा करके इनके आप नोट कर लें और मुझे सिर्फ इनकी रिपोर्ट 15 दिन बाद हर पक्ष पर दीजिए कि इनके यहाँ से कोविड पॉजिटिव कितने निकले। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करूँगा। नेक्स्ट बताइए, बराज MOIC ILIC 1 है और सारी 0 है, पता है? सर, हम लोगों का जो काम है बराज और महेंद्र का एक में होता है, फिर का काम मैं नहीं देखता हूँ। कौन देखता सर? ILIC 39 है सर। बराज में बराज और महेंद्र मिला के सर, दोनों रिपोर्ट हमारे सामने हैं, महेंद्र भी है नीचे और बरहज भी है, दोनों में 0 है। सारी के पहले 3 दिन में ही आपको पता चल गया होगा, पहले 3 दिन में ही पता चल गया होगा कि 0 आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या कार्रवाई की आपने? मिला नहीं था। वो तो सिंपली सांस में दिक्कत हो रही है तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाक बंद कराइए, गहरी सांस लेके नाक बंद रहने दीजिए 25-30 सेकंड, देखिए कैसे नहीं पता चलता, क्यों नहीं पता चलेगा?
और आप कहानी कह रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश शासन की और आपके दिमाग की सबसे बड़ी लड़ाई है। एडी हेड से पूछिए, कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जिस दिन हम लोग मीटिंग नहीं करते, जिस दिन हम समीक्षा नहीं करते। कल हमारी समीक्षा चली होगी रात में कितने बजे तक, और इस लेवल की फील्ड में आप लोग आलस से दिखाएंगे। एमओआईसी आप ब्लॉक के हेड हैं, और जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं, आपकी बातों में अविश्वास पूर्णता झलक रहा है। 10 दिन 11 दिन आपने एक एक्सरसाइज की, पहले 3 दिन में ही आपके कान खड़े हो जाने चाहिए थे। हीरो क्यों आ रहा है? आईएलआई ये जितने लोग बैठे हैं मुझे लगता है 40 लोग होंगे, इसमें से 10 आईएलआई के निकलेंगे फिर।